नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त आपको सीधे जगदलपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करते हुए। हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय अरविंद नेताम जी, मंत्री और तीसरेदार नेता आदरणीय कवासी लखमा जी, सांसद भाई दीपक बैज जी, लखेश्वर बघेल जी अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, विधायक साथी भाई संतराम नेताम जी, रेखचंद जैन जी, आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, भाई राजेश तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजमन बेंजाम जी, भाई बलराम मौर्य जी, रुक्मणी कर्मा जी, बलिराम कश्यप जी, मालती मौर्य जी, विमला बघेल जी, गणेश कावड़े जी, सहदेव नाग जी, बुधराम पटेल जी, वीर सिंह बघेल जी, अलगू प्रसाद कुशवाहा जी, सोमा कर्मा जी, भाई सत्तार अली जी, उमा शंकर शुक्ला जी, हरीश कवासी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सभी मीडिया के साथीगण, उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों और साथियों, अभी हमारे साथियों ने जो बातें कही आप सबको मालूम है। छत्तीसगढ़ सरकार आपने चुना और उसके साथ साथ आपने बस्तर में लोकसभा चुनाव भी जिताया। भाई दीपक बैज को सांसद बनाया, इसके लिए बस्तर के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। किसानों की ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल में धान, लोहांडी गुड़ा की जमीन वापसी, फॉरेस्ट राइट एक्ट तहत फिर से पट्टों का परीक्षण, सामुदायिक दावा, 4000 रुपये में तेंदुपत्ता खरीदी की व्यवस्था, ये सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं उन विषयों पर और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, अनुसूचित जाति की सरकार है, हम सब की सरकार है, क्योंकि जो फैसले लिए गए हैं वो आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले फैसले लिए गए हैं। आज पूरे देश में मंदी का दौर चल रहा है, बहुत सारे कंपनियां बंद हो गई है, छटनी हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 19% की गिरावट आई है, मोटरसाइकिल कार बिकना कम हो गया है, पूरे हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ है जहां 25% ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस किया है। क्यों? कि हमने ऋण माफी किया, हमने किसानों को 25 रुपया में धान खरीदा, हमने 4000 प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदा, और इस कारण से लोगों के पास पैसा पहुंचा, तो कोई मोटरसाइकिल खरीदा है, तो कोई कार खरीदा है, और इस कारण से सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापार हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, सोने चांदी में व्यापार हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है,
कपड़े के व्यापार हुआ है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई है। आदरणीय साथियों, न केवल क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया है बल्कि मान सम्मान देने का कभी काम किया है। आज तक के बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पहली बार है कि बस्तर का आदिवासी बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष बना है भाई लखेश्वर वसीर। न केवल बस्तर बल्कि सरगुजा का भी मध्य क्षेत्र भी और नया बनाया है, हमने दो राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया है। सम्मान देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, और यहीं तक के नहीं बल्कि हमने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा की, हमने हरेली की छुट्टी की घोषणा की, हमने तीजा की छुट्टी की घोषणा की, छठ का भी घोषणा किया है, और संत कर्मा जी के जयंती पर भी छुट्टी की घोषणा की। ये हमारे 30 त्योहार हैं जिसमें हम सब मिल के मनाते हैं, लेकिन कभी लगा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज है। 18 साल बाद लोगों को महसूस हुआ छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों का राज है, उनके भावनाओं का सम्मान होता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां आय बढ़ाने का काम किया, वहीं लोगों को सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है। आदरणीय साथियों, आज हम लोग देखते हैं कि पूरे देश में कुपोषण सबसे बड़े चुनौती है, हमारे प्रदेश में भी बड़ी चुनौती है। 18 साल में प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा, लेकिन लोग गरीब होते गए। 39.9% लोग छत्तीसगढ़ के गरीब हैं, 18% लोग झोपड़ियों में रहते हैं, 37.5% हमारे बच्चे कुपोषित हैं, 41.5% हमारी माताएं एनीमिया से पीड़ित हैं। अब मजबूत छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, स्वस्थ छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा? छत्तीसगढ़ केवल 28 जिलों की सीमा तक के सीमित नहीं है, बल्कि ये जो 3.25 करोड़ लोग रहते हैं उससे छत्तीसगढ़ बना है। और इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कुपोषण है, सबसे बड़ी लड़ाई कुपोषण के खिलाफ है। आज यदि हमारी माताएं कमजोर होंगी तो बच्चे भी कमजोर होंगे। आज बौनापन की शिकायत हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत है, कमजोर बच्चों की शिकायत बहुत है, लेकिन उस दिशा में पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। 35 किलो चावल और उसके बाद 7 किलो चावल देकर अपनी जिम्मेदारी इतिश्री कर ली, चावल देकर 15 साल राज कर लिया, लेकिन हमारा कुपोषण खत्म नहीं हुआ। आज हमने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई शुरुआत कर दी है। पहले पायलट प्रोजेक्ट चालू किए थे, कल दंतेवाड़ा में सुपोषित दंतेवाड़ा जिला की घोषणा की, अभी कलेक्टर ने सारी जानकारी दी है आपको कि हम बस्तर में भी कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और प्रत्येक जो पंचायत है उसमें स्वादिष्ट भोजन, उनके इच्छा के अनुरूप भोजन, गर्म भोजन दें, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, वो कुपोषण से दूर हो। साथ ही हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उसे कुपोषण से मुक्त कराना है, तो उनके लिए जो आवश्यक जो भोजन है वो देने का फैसला किया है। और 2 अक्टूबर 2019 जो गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, और सभी जगह गर्म भोजन हमारे बहनों को, माताओं को और छोटे बच्चों को जो कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा।
ताकि यहाँ के बच्चे स्वस्थ हों, यहाँ के माताएं स्वस्थ हों, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो मजबूत छत्तीसगढ़। और इसीलिए हमने नारा दिया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आदरणीय साथियों, आज स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। शहरों में इलाज नहीं हो पाता, ग्रामीण क्षेत्र की बात तो दूर है। और इसलिए हमने फैसला किया, जितने हाट बाजार हैं वहां हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक हर हाट बाजार में पहुंचेगा। वहां जो लोग पहुंचते हैं उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसके सिकल सेल है, मलेरिया है और तमाम प्रकार के जो बीमारियां हैं उसकी जांच होगी और उसे मुफ्त में दवाई भी दी जाएगी। हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है और इस योजना को पूरे प्रदेश में हम लागू करेंगे। ये डीएमएफ का पैसा है, सीएसआर का पैसा है, इससे क्या बना रहे थे, हवाई पट्टी, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट और सुकमा में तो स्विमिंग पूल बना रहे हैं अधिकारियों के यहां। ये डीएमएफ का पैसा छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए पैसा है, आदिवासियों के लिए है, यहां के रहने वाले लोगों के लिए है। और इसलिए ये जो पैसा है लोगों के स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, लोगों के कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए और शिक्षा के लिए, अकेले सुकमा जिले में 85 स्कूल फिर से शुरू किए गए। जगरगुंडा में 13 साल से स्कूल बंद था, कवासी लखमा जाके वहां शुरुआत की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा में कोई प्रकार की कमी ना हो। रोजगार में बस्तर के लोगों का अधिकार होना चाहिए। एनएमडीसी लोहा खुदाई तो दंतेवाड़ा जिले में करता है लेकिन परीक्षा हैदराबाद में, ये नहीं चलेगा छत्तीसगढ़ में, अब परीक्षा दंतेवाड़ा और जगदलपुर में होगा। यहां के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। कनिष्ठ चयन बोर्ड की स्थापना हम जगदलपुर में कर रहे हैं ताकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती अब यहां होगा। उनके बच्चों को रायपुर में परीक्षा दिलाने के जाने की जरूरत नहीं, जगदलपुर में ही परीक्षा होगा, यहां स्थानीय लोगों को महत्व मिलेगा। यह हमारी योजना ताकि आपको यह अधिकार मिले। आदरणीय साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज किसानों के बड़े हितैषी बनते हैं। हम तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे लेकिन केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया है पता है आपको, मात्र 65 रुपया। 1750 था उसमें 65 रुपया और जोड़ लीजिए 1815 रुपया। और छत्तीसगढ़ सरकार कितने में खरीदती है, 2500 रुपया में। हमने ऋण माफी किया तो भारत सरकार ने कहा क्या कहा कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, 6000 रुपया देंगे, एक दिन में 3 रुपया देंगे। मीडिया कितने को मिला है सम्मान निधि? हमने भारत सरकार को प्रधानमंत्री से स्वयं मिलके मैंने कहा कि जितने भी वन अधिकार पट्टा मिला है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं। अभी तक के 4 लाख से ऊपर लोगों को वन अधिकार पट्टा मिल गया है। जैसे सम्मान निधि दूसरे किसानों को आप 6000 रुपया देना चाहते हैं तो ये विषम परिस्थिति में खेती करते हैं इनको 6000 नहीं 12000 रुपया आप दीजिए। हमारे बस्तर के सरगुजा के आदिवासियों को 12000 रुपया मिलना चाहिए, हमने मांग की है। अभी 6000 नहीं मिला है तो 12000 कहां से मिलेगा? केवल ये लोग धोखा देने का काम करते हैं। मैं तो ये भी प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि वन अधिकार कानून में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उसे जंगल में जाने से प्रतिबंधित करना चाहते हैं। ये जो संशोधन ला रहे हैं
ये हमारे बस्तर के सरगुजा के लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये संशोधन वापस ले लीजिए, ये नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। अरे जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, और हम ही वहां से नहीं जा पाएंगे, हमारे आदिवासी नहीं जा पाएंगे, ऐसा कोई कानून हो बनाना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। आदरणीय साथियों, आज छत्तीसगढ़ में हमने एक नारा दिया है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इला बचाना है संगवारी। आज ये नरवा मतलब क्या, आपके हम हिंदी में नाला बोलते हैं, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, घोड़ा, नरवा, नाला, नाला बहार। ये जो नाला है, कहीं कहीं ढोड़गा भी बोलते हैं, ढोड़गा ढोड़गी, वो डबरा कहते हैं। तो जो नदी नाला है, बस्तर में पानी खूब गिर रहा है, लेकिन यहां कोई तालाब उतना नहीं है, यहां कोई बांध नहीं है, सिंचाई की योजना नहीं है, यहाँ 0% से 4% तक की सिंचाई है विभिन्न जिलों में बस्तर के। सिंचाई क्षमता यदि बढ़ाना है, ये जो नाला प्रोजेक्ट है, हर नाला में बंधान बनाएंगे, सतही जल भी मिलेगा, भूमिगत जल भी मिलेगा, और जमीन के नीचे भी वाटर रिचार्जिंग होगा। आज 60 फीट में पानी मिल रहा है, वाटर रिचार्जिंग करेंगे तो 40 और 45 फीट में पानी उपलब्ध होगा, लोगों को 12 महीना पानी, पेयजल के लिए भी, निस्तार के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पानी मिलना चाहिए। और आज मवेशी खुले में घूम रहा है, घूमने के कारण से लोगों के फसल का नुकसान होता है, तेंदू पत्ता तोड़ना है, महुआ बीनने के समय हर घर से एक आदमी निकलता है अपने मवेशी चराने के लिए। यदि उससे बचना है तो गौठान वाला जो कार्यक्रम है, 3 से 5 एकड़ घेर दीजिए, गांव भर के मवेशी के लिए वहीं चारा की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, और वहां कंपोस्ट खाद, गोबर जो आएगा, कंपोस्ट खाद और वर्मी खाद हम लोग बनाएं, ताकि हमारी खेती भी उन्नत हो सके, उसे बेच के पैसा भी कमा सके, नस्ल सुधार करने की व्यवस्था हम करें, ताकि दूध उत्पादन भी बढ़े, कुपोषण से लड़ाई भी लड़ सके, और वहीं मुर्गी फार्म भी आप खोल सकते हैं। मुर्गी फार्म जो गौठान है उसमें थोड़ा सा मुर्गी फार्म भी कर लीजिए, देसी, हाँ, बकरी भी आप पालन कर सकते हैं। तो वो तो ऐसा औद्योगिक सेंटर आप हर गांव में छोटे से आपके सेंटर बनेगा, जिस गौठान में आप गाय भी पाल लें, मुर्गी भी पाल लें, बकरा भी पाल लें, बतख भी पाल लें। तो ये सब गांव के लोगों के इनकम बढ़ाने के लिए ये हर गांव में एक सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से हम अपने लोगों को रोजगार भी मिले, लोगों को आय शक्ति भी बढ़े, ये हम लोग करने जा रहे हैं। अब मैं सांसद जी ने जो मांग की है, जिसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन तोकापाल 24 लाख रुपए के, मैं घोषणा करता हूं, दिलमिली से पखनार मार्ग निर्माण के लिए, मेंटेनेंस के लिए 21,63,000 रुपये की घोषणा। वहीं रायकोट सालेपाल 5.5 किलोमीटर चौड़ीकरण, इसके लिए 18,17,000 रुपये। बड़े बोदेनार से कांवर गांव के लिए 396, और उसके साथ साथ फार्मर गेस्ट हाउस निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, और कटेनार से पटेल पारा के मध्य पुल निर्माण के लिए 50 लाख, और साथ ही पुलिया निर्माण छोटे किलेपाल से पखनार के मध्य पुलिया निर्माण, मंडवा से धुरवा पारा के मध्य पुलिया निर्माण, कटेनार से पटेल पारा के मध्य सड़क डामरीकरण कार्य, बिसपुर से कुरुंद खोदरा 8 किलोमीटर तक, स्टार डैम
कम काजवे निर्माण पखनार से सुदर्शन पारा के मध्य सड़क डामरीकरण ग्राम मटकोट से आरापुर 3 किलोमीटर सड़क मरम्मत बाईपास रोड से डोगरी गुड़ा 2 किलोमीटर तक के और सड़क डामरीकरण कुमापारा कोड़ेनार से बाजार पारा तक और सड़क निर्माण पानपुर से कोरगली तक इसकी मैं घोषणा करता हूं। बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए, आप सब ने हमारी बात ध्यान से सुनी और एक नए कार्यक्रम जिस कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आप सब शामिल हुए। सुपोषित बस्तर जिला बनाना है, इसके लिए आप सब ने भागीदारी का निर्वहन किया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। हितग्राहियों को सामग्री वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मैं क्रमशः नाम लेते जा रही हूं और निवेदन करूंगी कि सभी आते जाएं। सबसे पहले अमलबती कावड़े, ग्राम पंचायत बेड़ागुड़ा, राशन कार्ड वितरण। अमलबती कावड़े, शीघ्रता से आते जाएं सभी। सोमाए, ग्राम पंचायत तोकापाल, राशन कार्ड वितरण। श्री बोटी, ग्राम तोयनार, जनपद पंचायत दरभा। श्री सुखराम, ग्राम तोयनार, जनपद पंचायत दरभा। जगदलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर हितग्राहियों को उन तमाम योजनाओं के लाभ और प्रमाण पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि वक्त है बदलाव का। वक्त एक ब्रेक का है।